उर्फी जावेद एक और जहां अपने बोल्ड अंदाज को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं, तो वहीं वो अपनी बेबाकी से भी मुंह तोड़ जवाब देती हैं। इस बीच अब उर्फी ने अंजलि अरोड़ा के कथित MMS वीडियो विवाद पर रिएक्ट किया है। उर्फी ने कहा कि इंडिया में लड़कियों को ही चुड़ैल बना दिया जाता है। अंजलि अरोड़ा के कथित MMS वीडियो पर उर्फी जावेद ने रिएक्ट किया और कहा कि लोग इसे 2 साल में भूल जाएंगे। जूम की एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्फी ने कहा कि अगर लीक्ड MMS वीडियो में अंजलि है भी, तो वो ये कभी नहीं चाहती कि उसका वीडियो पब्लिक डोमेन में आए। अगर कोई लड़की मास्टरबेट या सेक्स करते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड भी करती है और अगर वीडियो लीक हो जाता है तो वो लड़की ही पीड़ित होती है। लड़की ने खुद के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया और वो नहीं चाहेगी कि दुनिया उसे देखे। रिपोर्ट के मुताबिक उर्फी ने आगे कहा कि अंजलि ने काफी कुछ सहा और ये वाकई काफी मुश्किल है, क्योंकि कथित तौर पर आपके प्राइवेट फोटोज और वीडियोस लीक हो गए हैं और हर कोई उसे देख रहा है। लोग लगातार आपको उसी नजर से देखते हैं और आपको अंदर से नेकेड फील करवाते हैं। उर्फी ने अंजलि को धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि लोग अगले 2 साल में सब भूल जाएंगे। उर्फी ने कहा, इंडिया में लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं, उन्हें ही चुड़ैल बनाया जाता है। याद दिला दें कि अंजलि ने इस MMS को फेक बताया था और कहा था कि जब लोगों को आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं होती है तो वो आपको नीचा गिराने के लिए ऐसा करते हैं।